रोही, तुम इतनी सी बात को लेकर अपना मूड क्यों ऑफ कर रही हो? इतनी सी बात? साथ ही इतनी सी बात है? इस घर में कोई मुझ पे भरोसा नहीं करता, और जो कुछ भी गलत होता है उसकी वजह मैं ही होती हूँ, और आगे भी इस घर में जो कुछ बुरा होगा ना उसकी भी जिम्मेदार मैं होंगी। और ये जो तुम्हारे पांव पे चोट लगी है ना, इसका जिम्मेदार भी मुझे ठहराया गया। इस घर में सब मुझसे नफरत करते हैं सिवाय तुम्हारे। नफरत तुमसे कोई भी नहीं करता, उनकी नाराजगी मुझसे, तुमसे नहीं। तो उस नाराजगी की वजह भी तो मैं ही हूं ना। मान रोही, जब मैं तुम्हारे साथ हूं फिर तुम दूसरों के बारे में क्यों सोच रही हो? कल हमारी शादी होने चाहिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये देखो, ये है तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस, कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। ये तो बहुत महंगा होगा ना? कीमत को छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा है। तो फिर मैं इसे ऑर्डर कर देता हूँ, हालात जैसे भी हो, हमारी खुशियों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। तुम क्या पहनोगे? मैं वो एक्चुअली पहनने लगी है छोट, कुछ भी वेयर कर लूंगा। लो, ये क्या बात हुई, ऐसे कौन करता है? अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था, जब मेरी होने वाली दुल्हन इतनी खूबसूरत लगेगी तो मुझे भी तो खूबसूरत लगना चाहिए। आई विल वेयर दिस क्लोथ्स। बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा ना? पता है साथ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये दिन मेरी जिंदगी में आ रहा है, सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा है। रोही, कल के बाद ये ख्वाब एक खूबसूरत हकीकत बन जाएगा, फिर तुम रूही से मिसेस साद बन जाओगी। अब तो खुश हो ना? रेहान को तुम्हारे कमरे से ऐसे कैसे ले जा सकती है बेटा? क्या दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था? कभी कभी मुड़ा लॉक करना भूल जाते हैं। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? आखिर तुम्हें इतना भरोसा किया है उस पर? मैंने तो पहले ही दिन उसकी नियत पे खोल देख लिया था। कहाँ लेकर गई थी इसे? क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बकवास बंद करो अपनी। क्या कर रही थी तुम ये सब? कहाँ लेकर गई थी रेहान को? जानबूझकर कर रही हो ना तुम सब कुछ? क्या क्या किया है मैंने? मेरे सामने ज्यादा होशियार मत बनो, हम लोगों को बेवकूफ मत समझो। रूही,
मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम क्या खेल खेल रही हो। बगैर इजाजत के तुम्हारी जरूरत कैसे हुई रेहान को ले जाने की? इजाजत की क्या जरूरत है? अनीशा बीबी की तरह मुन्ने पर थोड़ा हक तो मेरा भी है। मैं उसकी मां ना सही आखिर उसका ख्याल तो रख सकती हूं ना। यार पानी पिला दे, हाथ पे मेहंदी लगी है मेरे, प्यास लगी थी बहुत, पिला दो ना। ले आइयो तो पिला भी दो। रुको, अब घर के नौकर मालिकों को हुक्म देंगे? जिसने पानी पीना होगा ना वो खुद पी लेगा। मम्मी इसके हाथों पे मैं, तुम जाओ जाकर मुराद को देखो, उसे किसी चीज की जरूरत ना हो। और तुम जो अपने हाथों की मेहंदी बचाने की कोशिश कर रही हो ना, इसका कोई रंग नहीं है, ये झूठ है, दिखावा है। और जो जज्बात का निकाब तुमने अपने चेहरे पे चढ़ा रखा है ना, वो बहुत जल्द उतर जाएगा, समझी? ये आपकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती नहीं जा रही? और ये किस लिए है कि आप मुझे नापसंद करती हैं, साथ मुझे पसंद करता है? सब मकारियां समझ में आ रही हैं, बहुत कोशिशें कर ली हैं आपने कि साथ मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं बता दूं, वो दुनिया को छोड़ सकता है लेकिन रूही को नहीं छोड़ सकता। और ये मेहंदी देख रही हैं, उसके नाम की लगाई है मैंने, और इसका रंग ना हमेशा ऐसे ही रहेगा, समझ गई? और ये मेरे मुंह से छीना है ना आपने, तमीज़ जाहिल लड़की है, अपनी औकात भूल गई है। वो अपनी अधूरी नाकाबिले रहम जिंदगी में पड़ी रहती ना तो अच्छा होता। मम्मी आप प्लीज स्ट्रेस मत लें, वो ऐसा इसलिए करिए क्योंकि साथ उसके साथ है, हवाओं में, इसीलिए बड़े छोटे की तमीज भूल गई है। आप फिक्र ना करें, मैं समझाती हूँ उसको। उसे उसे समझाने की नहीं, सुधारने की जरूरत है। निमट लूंगी मैं उससे, निमट लूंगी मैं।
मम्मी आप एक कमरे में रहते अनीशा क्या है ये सब रात प्लीज जो हो रहा है उसे होने दे अरे कैसे होने दूं मेरा भाई एक नौकरानी से शादी करने लगा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए एक दिन की बात है देखिए एक दिन नहीं है ये एक दिन में सारी जिंदगी याद रहेगा इतना बुरा दिन होगा ये साथ की जिंदगी है उसका फैसला वो हमसे सिर्फ इतना चाहता है कि हम उसके फैसले में उसका साथ दें रात प्लीज साथ निकाह कर रहा है हमें एतमाद मिले बगैर अफसोस का मुकाम है हम शिरकत करें न करें उसे फर्क नहीं पड़ता अगर वो ये सोच रहा है कि शाम तक वो हमारा फैसला बदलने में कामयाब हो जाएगा तो सरासर उसकी ये खुशफहमी है आपको पता है सड़की ने मुझे चैलेंज किया है कि वो उसके लिए दुनिया छोड़ सकता है रिश्तों में इख्तलाफ आ जाए ना तो सबसे ज्यादा फायदा बाहर वाले उठाते हैं हमने साथ की छोटी से छोटी खुशी को पूरा किया बदले में हम उसकी खुशियों की गारंटी चाहते हैं लेकिन वो तो हमें ही अपना मुखालिफ समझ बैठा है मुनस साथ पहले ऐसा नहीं था जब से उस लड़की से मिला है ना उसकी सोच का मेयार ही बदल गया रूही 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 हर वक्त उसकी जबान पर यही नाम रहता है मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती ये तमाशा मैं और नहीं देख सकती मोनस आंखें बंद कर लेने से चीजें डिसअपीयर नहीं हो जाती सीमी हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से तो भाग सकते हैं लेकिन औलाद की फिक्र का ताल्लुक तो अंदर से है ये दर्द आसानी से नहीं जाता मोनिस इनफ इज इनफ मैं इस बोझ को मजीद बर्दाश्त ही नहीं कर सकती बस मैं वापस जाना चाहती हूँ आप मुझे वापस भेज दें मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती Thank you.
रोहित तुम रेडी हो चुकी हो? नहीं तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। ऐसा तो मत करो, मैं कब से वक्त गुजरने का इंतजार कर रहा हूँ। सच पूछो तो ये मुझसे सबर हो ही नहीं रहा, बस कैसे ना कैसे ये वक्त गुजर ही जाए। आज तो आप बिल्कुल अलग बातें कर रहे हैं साथ। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अपनी होने वाली वाइफ से झगड़ रहा हूँ। अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे करनी है, तुमसे सुननी है। साथ, आप खुश तो है ना? Yes. क्यों? तुम्हें खुश नहीं नजर आ रहा? लग रहे हो, मगर इतने नहीं जितना होना चाहिए। रोहित तुम जानती तो हो इतनी बड़ी खुशी मैं मॉम और डैड के बगैर सेलिब्रेट कर रहा हूँ। खुशी पूरी हो के भी कुछ अधूरी सी लग रही है। साथ साथ आप इस बारे में मत सोचें। आप नहीं जानते माँ बाप का दिल ना समंदर जितना बड़ा होता है। इंसान की बड़ी से बड़ी गलतियां माफ कर देते हैं, और वैसे भी एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो फिर हम मना लेंगे उन्हें, और आप इन्हें थोड़ा वक्त दें वो हमारे रिश्ते को जल्द कबूल कर लेंगे। रोहित, I love you the most. साथ में एक आखिरी बात कहूंगी आपसे, आज कोई हमें कबूल करे ना करे, मगर आपको मुझे आज ही कबूल करना होगा। इसके लिए फिर चाहे आपको किसी के भी दिल का खून करना पड़े। मैं बाद में बात करती हूँ। ओके। आ जाएं। बात हो सकती है? आप मुझसे कल रात के बारे में बात करने तो नहीं आई? देखिए, साथ की अम्मी का सलूक जिस तरह से मेरे साथ था और जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की ना, मैंने भी उनकी जबान में उनको जवाब दिया, तो आप मुझे कुछ नहीं कह सकती। बड़ों से बदतमीजी करके हम अपने दिल का गुबार तो निकाल सकते हैं, लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए अपनी जात की नफी करनी पड़ती है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, सबकी मुखालफत के बावजूद भी साथ तुम्हें पूरी मोहब्बत पूरी इज्जत के साथ अपना रहे। साथ बाहर से जितना अच्छा लगता है ना, उसका दिल उतना ही साफ है। तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अपने और साथ के रिश्ते को हमेशा संभाल कर रखना। जितने भी लोग मुखालफत कर रहे हैं, कि उनको बताने का बेहतरीन मौका है कि तुम साथ के लिए बेस्ट। देखो आज कितनी तकलीफ में, लेकिन फिर भी अपना दर्द भुलाकर आज के दिन को मिस नहीं किया उसने। मुझसे वादा करो रूही, हमेशा साथ का ख्याल रखोगे, वादा करो। मेरी दुआ है कि तुम और साथ हमेशा खुश रहो। मैं देख कर आती हूँ साथ क्या कर रहा है। Thank you.
बड़े भाई होने का ये मतलब नहीं कि आप मेरी खुशियां मुझसे छीन लें। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, तुम क्यों अपनी जिद मनवाना चाह रहे हो? वो मेरी जिद नहीं, मेरी मोहब्बत है वो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम गुस्से में मत आओ, मैं मान गया कि वो तुम्हारी मोहब्बत है, लेकिन क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करती है साथ? हाँ वो मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मुझसे कई ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत करती है। तंग करना तो आप हमें छोड़ दें, आपको क्या लगता है कि आप अपने हिसाब से मेरे और साथ की जिंदगी में तोड़-जोड़ करते रहेंगे और मैं करने दूंगी? और तुम्हें क्या लगता है, तुम साथ को प्रेशराइज करके उससे जल्दी से ये शादी करवाओगी ताकि तुम्हारे कदम इस घर में जम जाए? वाह बड़ी हिम्मत आ गई, अगर मेरी जुबान खुल गई ना तो वो एक सच आपका पूरा मुस्तकबिल तबाह कर देगा। और आपको पता है मैं क्या कर सकती हूँ, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। दर्द का इलाज नहीं है मुराद, तुम इस वक्त काफी डिप्रेस लग रहे हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां बेहतर महसूस करोगे। तुम चाहते हो ना मैं बेहतर महसूस करूं, मुझे अकेला छोड़ दो, बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूं। वैसे भी कुछ दर्द कुछ तकलीफें होती हैं जिनसे छुटकारा सिर्फ आपकी मौत से मिलता है, सिर्फ आपकी मौत से। तुम उससे अपना हर दर्द कहकर खत्म कर सकते हो मुराद, ऐसी कौन सी बेसुकूनी है तुम्हें जो मौत से सुकून चाहिए तुम्हें? मैं जानता हूं कि तुम्हें साथ की शादी की टेंशन हो रही है, इसके अलावा भी कोई ऐसी बात है जो तुम्हें तकलीफ पहुंचा रही है? तकलीफ इस बात से हो रही है कि सब कुछ जानते बूझते भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा, साथ मेरा भाई अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला करने वाला है और मैं उसे रोक नहीं पा रहा। कि बेबसी या लाचारी, नफरत हो रही है मुझे इससे। उस दिन ऑफिस में साथ का जुनून देखकर मैं समझ गया था कि वो रुकने वाला नहीं है, तो टीनेज नहीं है कि स्टुपिडिटी और एप्रीहेंशन में कोई फर्क ना समझ पाए। इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है वो, उसने जो भी अपने लिए सोचा होगा बेहतर ही सोचा होगा। चलो आओ कहीं चलते हैं बैठ के कॉफी पीते हैं, आ जाओ। पर मैं साथ की जिंदगी से इतने लातालू कैसे हो सकते हैं? साथ की जिंदगी की पहली और सबसे बड़ी खुशी है और सिर्फ आप ही मम्मी को राजी कर सकते हैं। साथ की जिद ने मेरे और सीमी के दिल को ठेस पहुंचाई है, हम उससे लातालुक नहीं हुए, उसने हमें गैराहों कर दिया है। अगर उसने हमारे बगैर खुश रहना सीख लिया है तो रहे खुश, हम भी जी लेंगे। पापा आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
साद आप लोगों की बहुत फिक्र करता है, आप उससे इस तरह से नाराज होकर उसे किसी आजमाइश में मत डालें। रूही को अपना जरूर रहा है लेकिन आप लोगों की भी फिक्र करता है, बहुत परेशान बहुत उदास है वो। पर जिस तरह से आपको उम्मीदें हैं साथ से, इसी तरह से साथ को भी आपसे कुछ उम्मीद है। साथ आपसे सिर्फ यही चाहता है कि आप उसके फैसले में उसका साथ दें, उसकी खुशी में खुश हो जाएं। पापा जो खुशी इंसान को सबसे ज्यादा अजीज होती है अगर वो उसे छीन ली जाए तो मौत से पहले ही मर जाता है। क्या आप ऐसा साथ के साथ करना चाहेंगे? साथ के फैसले को किस्मत का फैसला समझकर मान लें पापा। अनीशा बिल्कुल ठीक कह रही है डैड। वक्त आ गया है कि हम इस हकीकत को तस्लीम कर लें। Come in. मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज। तुम्हें लग रहा होगा मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूं लेकिन ऐसा नहीं है, लड़ने नहीं आया। इस बात की खुशी हो रही है कि तुम आज अपने कदमों पे खड़े हो गए। थैंक यू मुराद भाई। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। सॉरी अगेन। इट्स ओके मुराद, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मौके पर आप मेरे साथ हैं। आई एम ग्लैड। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, साथ तुम भाई हो मेरे। अब मुराद भाई मॉम और डैड कहाँ हैं? वो लोग भी मुझसे बहुत नाराज होंगे, मैंने भी उनसे बहुत दिनों से बात तक नहीं की। आप मान गए हैं तो वो लोग भी मान नहीं जाएंगे। आपको पता है मुराद, जब मामा मुझे दूल्हे के रूप में देखेगी तो खुश हो जाएगी। वैसे आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। Thank you so much. तो यारों में चलते। हाँ मुराद भाई, बेटे की मोहब्बत में हो सकता है आपका दिल पिघल गया हो लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा। मेरा फैसला जो कल था वही फैसला आज भी है। हमने साथ को फोर्स किया, उसने हमसे बात करनी छोड़ दी।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अना हमसे हमारा बेटा छीन ले। मुराद राजी हो गया है, तुम भी अपनी ईगो तोड़ दो। जैसे मैंने साथ को माफ किया है, तुम भी माफ कर दो। वो हमारी नफरत डिजर्व नहीं करता, वो हमारी औलाद है, हमारा बेटा है। मुझे मेरे राइट्स मत बताएं। अगर साथ ने उस लड़की से शादी की ना, तो मैं बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगी। जिस तरह मैं सेल्फिश हो गया था, तुम भी वही कर रही हो। उस लड़की से ज्यादा मुझे अपने बेटे की फिक्र है, वो अकेला हो गया है। अकेला? अकेला कब है वो? आप हैं उसके साथ, मुराद है, अनीशा है, और सबसे बढ़कर वो लड़की है जिस पर वो भरोसा कर रहा है। उसकी खातिर तो वो अपने सगे माँ बाप को छोड़ रहा है। और आप जानते हैं, आपके अचानक फैसले ने अकेला तो मुझे कर दिया है। सीमी, बस बस मुन्नस, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती हूँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। किस्मत के साथ साथ तो तूने अपना रूप भी बदल लिया। आज जो बुशरा होती ना, तो बताती उसे कि छोटे से घर में बड़े बड़े ख्वाब देखने वाली रूही सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही नहीं करती थी, आज इतने बड़े महल की मालकिन बन गई है। किस्मत कहाँ रह गया? हाँ बोलो रोही। साथ कहाँ हो तुम? वो मामा ने कोई जरूरी बात करने के लिए अपने कमरे में बुलाया। नहीं, मगर तुमने तो मुझसे वादा किया था जब तुम तैयार हो जाओगे तो सबसे पहले मुझसे मिलने आओगे, मुझे दिखाओगे। कोर्स रोही, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए मॉम और डैड के रूम में कोई जरूरी बात करके तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आज एक वादा तोड़ दोगे, पूरी जिंदगी वादे तोड़ते रहोगे। तुम मैसेज में रुको, मैं आ रही हूँ। हेलो रूही। बेवकूफ लड़की, इससे पहले कि बुट्टा और भैया दोनों रो रो कर साथ के फैसले को कमजोर कर दें, मुझे साथ को उनसे मिलने से रोकना होगा। वैसे भी ये बुढ़िया खामोशी से चुप बैठने वालों में से तो है नहीं, आखिरी टाइम पे कोई ना कोई तमाशा जरूर करेगी। सैयारी, सैयारी, बेदर्दी, सैयारी, सैयारी।